बरेली, तमंचा दिखाकर घर में की लाखों की लूट। थाना सुभाष नगर पुलिस लूट की रिपोर्ट लिखने को पीड़ित को टहलाती रही। एसपी सिटी के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज। थाना सुभाष नगर के मोहल्ला मणिनाथ निकट हनुमानगढ़ी मंदिर निवासी भूपेंद्र सिंह पुत्र रामहरन सिंह ने बताया कि घर में 1 अगस्त को सुबह 3 बजे के लगभग घर की छत पर 4 अज्ञात बदमाश चढ़ कर आ गए। इन चारों बदमाशों ने भूपेंद्र व उनकी पत्नी को तमंचों से डरा धमकाकर जान से मारने की धमकी देकर हाथ बांध कर मकान के अंदर ले गए। यह चारों बदमाश अलमारी में रखा जेवर 2 सोने के हार, 6 अंगूठी सोने की, 5 जोड़ी कानों के कुंडल, 3 जोड़ी झाले सोने के, 1 जोड़ी टाप सोने के, 1 सोने का बिस्किट, 4 जोड़ी पायल चांदी की, 1 तकदी, 1 गुच्छा बिछवा, रेशम चक्की चांदी की कीमत लगभग 10 लाख से अधिक व घर में रखे 40,000 रुपए नकद। मुझे नीचे ले गए, सारा सामान अलमारी की चाबी लेकर सारा सामान जेवर निकाल ले गए। 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 45,000 रुपये रखे थे वो सारे ले गए। कितने लाख का जेवर था जी? कितने लाख का जेवर था? सारा सामान सब, मैं मोटरसाइकिल के 10 लाख से ऊपर का ही सामान था। कैश कितना था? कैश 45,000 रुपये का कैश था। सभी ज्यादा तमन चुके जी? तमंचे सभी के हाथ में? हाँ, चारों के हाथ में तमंचे थे। नकाब पोस्ते नकाब लगाए हुए थे। किसी छत के द्वारा घुसे थे या रास्ता कोई सीढ़ी वगैरह? नहीं, सीढ़ी से नहीं, गेट बंद था, गेट की तरफ से नहीं घुसे, घुसे साइड से ही कहीं से, छत से अगल बगल। मणिनाथ ठीक।